आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और कर्क राशि के जातक या जातिका, यदि आप कर्क लग्न के हैं, कर्क राशि के हैं, तो ये वीडियो आपकी बात करने जा रही है कि वास्तव में आपको ये सन जनवरी सन 2023 से लेकर के मार्च 2025 के बीच में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपको किस फील्ड में ड्यूटी करके आपको आर्थिक सफलता जो है प्राप्त हो सकती है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप सब हमारे साथ बने रहें। अब समझते हैं इस चीज को कि कर्क राशि से ठीक जो है वो अष्टम भाव पर शनि का गोचर हुआ है। आप सबको यह बात बहुत अच्छी से जानकारी होगी कि शनि देवता को कर्म का देवता कहा जाता है। शनि देवता कर्म के देवता है, दंड नायक इन्हें माना गया है। अब जिस भाव पर शनि बैठते हैं उस भाव पर की वृद्धि करते हैं, ऐसा ज्योतिष का मत होता है। अब शनि तो आपके अष्टम भाव पर हो गए, अर्थात आपके जीवन में इस 2.5 साल में आपके आयु को यहां पर सुनिश्चित कर दिया, अच्छा बना दिया। यदि आप कोई बहुत ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य में ग्रसित नहीं है तो आयु को भी यहां पर अच्छा माना जाएगा। अष्टम भाव ही आपके बाधाओं का है, आपकी पीड़ाओं का है। तो इससे कोई बहुत लंबे समय से यदि कोई रोग समस्या चल रही है तो उसके आगे निरंतर बढ़ने की संभावना भी यहां दिखती है। परंतु एक बात ध्यान रखेंगे, यही वो स्थान है अष्टम भाव जो आपको सबसे ज्यादा जो आपके परिवर्तनकारी समय को लाने में सहायक होगा। अष्टम भाव ही हमारे जीवन में परिवर्तन को देता है। अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जो हमें ऑकल्ट साइंस की ओर जोड़ देता है, हमारे गुप्त विद्याओं में, पूजा पाठ तंत्र मंत्र में हमें जोड़ देता है। तो जब शनि स्वयं जो है इस प्रकार के कार्य के कारक माने गए हैं, तो शनि जब अष्टम में रहेंगे तो आपके जीवन में बदलाव का समय लेकर के शनिदेव आए हुए हैं, यह निश्चय मानिए आप कर्क राशि के लोग। शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी, सातवीं और दसवीं। इन तीनों दृष्टियां जहां जहां पड़ेगी वहां पर सबसे ज्यादा आपके ड्यूटी रहने वाले हैं इस अभी 23 से लेकर के 25 के बीच में। तो कौन कौन सी वो जगह है जहां पर हम ड्यूटी हमारी लगने वाली है, और आप यकीन मानिए कि यदि उस कार्य को आप निभा लेते हैं, अपनी ड्यूटी को निभा लेते हैं, तो आप एक ऐसा सीढ़ी निर्माण कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे और आपके सक्सेस की होने वाली है। सीधा बिना चार्ट पर पहुंचते हैं, यहां पर देखेंगे कर्क यहां पर लिखा हुआ है, अष्टम भाव पर शनि देव बैठे हैं। अष्टम भाव का विवेचना आपसे हमने किया, अब जानने का प्रयास करते हैं कि यहां से शनि किन-किन भावों को दृष्टि दे रहे हैं। तो शनि यहां से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव काहे का, आपकी ड्यूटी काहे का। दशम भाव होता है आपके करियर का, आपके कर्म क्षेत्र का। मतलब आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हो, आप विशेष ये मान लीजिए कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करना है और मुझे वहां ध्यान देना है। ये नहीं कि मैंने नौकरी किया, मैंने व्यवसाय किया, मैंने अब जिस भी फील्ड से हूं वहां मैंने काम कर रहा हूं, बस उसे चलने दो, अब वो काम नहीं चलने वाला। आपको लग जाना है, जुनून की हद तक जाकर के आपको अपने कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म भाव पर ही शनि की दृष्टि है। एक और दूसरी बात तो आप ये समझेंगे कि शनि का ऑलरेडी जो है दशम से संबंध हो गया। क्यों? क्यों भाई, काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव के ही मालिक बनते हैं, इसलिए आपके लिए यह समय जो है सिर्फ और सिर्फ करियर में ग्रोथ देने के लिए आया हुआ है। यदि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं तो बस कुछ भी नहीं हो सकता। ये मान के चलिए कि आपको ऊपर उठने के बजाय आपको नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपनी ड्यूटी को समझना है कर्क राशि वाले जातकों को, और निश्चय मानिए कि इस ड्यूटी को मान करके आप अपने करियर में फोकस करके बहुत ज्यादा जो है वो आर्थिक संपन्नता और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरी दृष्टि की। शनि की एक दृष्टि तो पड़ी थर्ड हाउस दशम भाव पर, शनि की अगली दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। धन भाव पर शनि की दृष्टि का आना कैसा मानेंगे? अष्टम भाव से शनि धन भाव को देख रहे हैं, जो पैसे अभी तक रुके हुए थे वहां से भी पैसे निकाल करके शनि देवता आपको देने वाले हैं। दूसरा, भाव पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप अपने धन का लेन देन को आप बहुत ध्यान से रखिए, देखिए कि कहां पर मेरा पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। अपने पैसे को मैनेज कीजिए, और उस जो पैसे को आपने मैनेज किया है कहां कब जाना है, कहां कब आना है, तो और साथ में यह देखना है आपको कि अपने पैसे संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, कि जैसे कि बैंक हो गया, बैंक हमारा पैसे का लेन देन है, आपके फंड हो गए, आपके निवेश हो गए, इन जहां जहां भी, कहने का मतलब यह है आपके पैसे लगे हुए हैं या आना है या जाना है, वहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप उस ड्यूटी को निभा लेते हैं, तो निश्चय मानिए कि अभी मार्च 25 तक जो शनि का भी ट्रांजिट रहने वाला है यहां पर, यहां तक आपको एक बहुत बड़ी सीढ़ी मिल जानी है आपको सफलता के लिए।
अब यही जो भाव है, ये जो है शनि की जो दृष्टि है, सेकंड दृष्टि, सेकंड भाव पर जो दृष्टि है आप सातवीं दृष्टि, इसी भाव को हम कहते हैं कि कुटुंब का भाव। कुटुंब के भाव पे शनि की दृष्टि कैसे मानी जाएगी? तो भाई कुटुंब में शनि की दृष्टि, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप अपने रिश्ते को संभाल के रखिए, आपसी में घर में जितने भी सदस्य हैं, माँ बाप भाई बहन जितने भी रिश्तेदारी हैं, उन रिश्तों में अपने संबंधों को संभाल के रखना है आपको, विवाद की स्थिति खड़ी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप स्वयं समझिए, यदि किसी को हमने ड्यूटी पर नियुक्त किया हुआ है और यदि वह ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं। इसी प्रकार से यदि आप इस ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभाएंगे, आप पनिशमेंट के अधिकारी होंगे। किनके द्वारा? तो शनि के द्वारा। क्यों भाई? क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता है और धन पर इनकी दृष्टि है। आर्थिक रूप से यहां पर आप प्रताड़ित हो सकते हैं, अन्यथा आपकी आर्थिक समृद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं भौचक्के रह जाएंगे कि इतने दिन बाद, क्योंकि 30 साल बाद जो है शनि जो है पुनः फिर से इसी राशि पर आए हैं। अब अभी आने वाले नहीं है, ये मार्च 25 तक रहेंगे, इसके बाद सीधे 30 साल बाद आएंगे। मत इंतजार कीजिए, अपनी ड्यूटी को मात्र 2.5 साल आप अच्छे से निर्वहन कर लीजिए, आप सफलता की सीढ़ी पर पग धर लेंगे। अब शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं। शनि की अगली दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव कहेगा, पंचम भाव है आपके प्रेम का, आपके रिश्तों का, पंचम भाव है आपके शिक्षा का। आप जो भी कार्य करते हो, आप हाउसवाइफ हो या आप जॉब करती हो यदि महिलाएं हैं, तो आप याद रखेंगे कि आप अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो है शनिदेव ने आपकी ड्यूटी लगाई है और कहा है कि शिक्षा के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव करूंगा। क्यों? क्योंकि शनि जहां पर बैठेंगे वहीं पर तो बदलाव करेंगे, मतलब आपके बदलाव भाव पर बैठे हैं, जो भी स्थिति है, बुरी स्थिति है अच्छा ला देंगे, और अच्छी स्थिति है तो बहुत अच्छा ला देंगे, इस बात की गारंटी शनि देवता ने हमें दिया। अब शनि की जब यहां पर दृष्टि पड़ती है तो आपको यह कहा जा रहा है कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए भाई, आप जिस फील्ड से हैं आप अपनी पढ़ाई को बढ़ा दीजिए, उससे संबंधित आप जो है ज्ञान को सीखिए, अर्जन कीजिए। यकीन मानिए कि दशम दृष्टि शनि की जिस भाव पर पड़ती है वहां पर से आप अछूते नहीं रह सकते, ज्योतिष का एक नियम ही है, क्योंकि शनिदेव वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के स्वामी ही बनते हैं यहाँ के। अब यही स्थान है आपके संतान का, यदि आपके अब तक संतान नहीं है तो संतान कैसे प्राप्त होंगे, इस पर आप जो मेडिसिन है वो आप कर सकते हैं, जो डॉक्टरी इलाज है वो कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ रत्न मणि इन सब के माध्यम से आपके संतान होना सुनिश्चित करते हैं, और साथ में लेकिन परंतु आपकी ड्यूटी रहेगी तभी। यदि हमने ड्यूटी नहीं निभाई तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। यदि आपके ऑलरेडी संतान है तो उन संतान के एजुकेशन पर आपको ध्यान देना है, कैसे उनके जीवन में ग्रोथ हो इन पर ध्यान देना है, और इस पर ध्यान देकर के आप अपने जीवन को बेहतर और संतान के भी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही स्थान आपके प्रेम का होता है, अपने प्यार को, अपने प्रेम को आपको ध्यान रखना है। आप जिनसे प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं, कोई रिलेशन भी हो सकता है अथवा या फिर आप लव रिलेशन में भी हैं, तो उसको ध्यान देने का समय है। और आप पति पत्नी हैं, जीवन साथी के साथ भी प्रेम संबंधों को ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहां पर यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं, आप लापरवाही बरतते हैं, तो निश्चय मानिए यहां पर ब्रेकअप होने और आपसी दांपत्य में तनाव देखने की स्थिति भी यहां पर मिल सकती है। अब यही वह रास्ता है, मुझे पता है कि आपने इसे समझ लिया होगा। अब समझते हैं कि ये शनि जहां बैठे हैं, आप ये मानिए कि यही वह मजिस्ट्रेट है, यहां से इन्होंने यहां दृष्टि दिया दशम भाव पर, इसके बाद फिर धन भाव पर दिया, इसके बाद फिर पंचम भाव पर दिया। ये सभी सीढ़ी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप उस सीढ़ी को अपना करके अपने जीवन में निरंतर पैसा और तरक्की को प्राप्त करें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। और हाँ, जाने से पहले यदि आपने लाइक नहीं किया तो अपना प्यार दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइएगा। आप सबका दिवस जो है सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।